प्रिय भक्तों, आपने महावॉरियर के पिछले भाग में देखा बाबा गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ राजा त्रिविक्रम के शरीर में प्रवेश कर उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं, जिससे प्रयागराज की समस्त प्रजा का बड़ी ही सरलता से शोक निवारण हो जाता है। परंतु अब बाबा गोरखनाथ के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शरीर कैसे सुरक्षित रखा जाए। गुरुदेव के पार्थिव शरीर को मैं अपनी शक्ति से 12 वर्षों तक नष्ट होने से तो बचा सकता हूँ, परंतु प्रश्न ये है कि गुरुदेव के शरीर को किस स्थान पर रखा जाए ताकि गुरुदेव के शरीर को कोई हानि ना हो। गुरुदेव, हम अपनी दीक्षा के अनुसार 12 वर्षों तक एक स्थान पर कभी प्रवास नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी दीक्षा खंडित हो जाएगी। शिष्य चटपट नाथ, तुम उचित कह रहे हो, परंतु गुरुदेव के शरीर को इस प्रकार हम अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते। बाबा गोरखनाथ आपस में विचार विमर्श कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक महिला आती हुई दिखाई देती है। वो महिला उनके पास आकर बोलती है, बाबा, ये पुण्यात्मा कौन है जिनकी मृत्यु हो गई है? देवी, ये हमारे गुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ का शरीर है। देवी, क्या आप हमें कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बता सकती हैं जहां हमारे गुरुदेव का शरीर 12 वर्षों तक सुरक्षित रहे? बाबा, पास में एक गुफा है, परंतु कोई मृत शरीर कैसे 12 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है? आपके लिए तो ये उचित होगा कि आप अपने गुरु का दाह संस्कार कर दें, अन्यथा ये मृत शरीर कुछ ही दिनों में सड़ जाएगा। देवी, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, परंतु इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर आप वचन दें तो हम आपको ये कहानी बता सकते हैं। ठीक है बाबा, मैं वचन देती हूँ। देवी, हमारे गुरु मत्स्येंद्र नाथ की आत्मा ने प्रयागराज के महान राजा त्रिविक्रम के मृत शरीर में प्रवेश किया है ताकि प्रयागराज की समस्त प्रजा का शोक निवारण किया जा सके। परंतु 12 वर्ष के उपरांत हमारे गुरुदेव राजा त्रिविक्रम का शरीर त्याग कर जगत कल्याण हेतु पुनः इस शरीर में प्रवेश करेंगे। परंतु देवी, ये रहस्य आप रहस्य ही रखिएगा। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाएं। आपका ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। बाबा गोरखनाथ महिला द्वारा बताई गई गुफा में अपने गुरु का शरीर रखकर अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। समय बीतता है। एक दिवस राजा त्रिविक्रम की रानी रेवती अपने राज्य के शिवालय में महादेव की पूजा हेतु आती है। संयोगवश उस शिवालय में महादेव की पूजा हेतु वो महिला भी पहले से ही उपस्थित होती है और वो देखती है कि रानी रेवती सदा सुहागन रहने के लिए महादेव से प्रार्थना कर रही हैं। महादेव क्षमा करिएगा, बेचारी रानी को ये नहीं पता है 12 साल बाद ये फिर से विधवा हो जाएंगी, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि राजा के शरीर में गुरु मत्स्येंद्र नाथ की आत्मा वास कर रही है, जो 12 साल बाद राजा के शरीर का त्याग कर देगी। पास में खड़ी रानी महिला की सारी बात स्पष्ट रूप से सुन लेती है और पूजा करने के उपरांत अपने अंग रक्षकों को उस महिला को रोकने का आदेश देती है। मैंने जो सुना, क्या वो सत्य है? और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? रानी साहिबा, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं बता सकती, मैं वचनबद्ध हूँ। अगर तुम मुझे सत्य नहीं बताओगी तो मेरे रक्षक तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े करके इस निर्जन वन में फेंक देंगे। अगर तुम मुझे सारा रहस्य बता दोगी तो मैं उपहार स्वरूप तुम्हें अपनी मूर्तियों की एक माला दूंगी। रानी के भय से महिला रहस्य बता देती है। सारा रहस्य सुनने के उपरांत रानी अपने गले से मोतियों से जड़ित एक माला निकालकर महिला को दे देती है। रानी सोचती है, अगर गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शरीर नष्ट कर दिया जाए तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ कभी जीवित नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी राजा की मृत्यु होगी। ये सोचकर रानी अपने अंगरक्षकों को आदेश देती है कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ के शरीर को खोज कर उसे नष्ट कर दिया जाए और हड्डियों को जंगल में फेंक दिया जाए। अंगरक्षकों ने अपनी रानी की आज्ञा का वैसा ही पालन किया और ये सब होता हुआ सूर्यदेव देख रहे होते हैं। तभी वो दुखी होकर
कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंच जाते हैं। हे महादेव, गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शरीर रानी रेवती के आदेश पर नष्ट कर हड्डियों को वन में फेंक दिया गया है, परंतु गुरु मत्स्येंद्र नाथ को जगत कल्याण हेतु पुनः 12 वर्ष बाद अपने शरीर में आना था। फिर प्रभु बिना शरीर के कैसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जीवित हो पाएंगे? सूर्यदेव, आप तनिक भी चिंतित ना हो, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। महादेव काल के गर्त में छुपे रहस्य को जानते थे, जिसका निराकरण उनके अंश अवतार बाबा गोरखनाथ के हाथों संभव होगा। महादेव ये बात भी जानते थे कि उनके गण वीरभद्र का अहंकार अपनी चरम सीमा पर है, जो बाबा गोरखनाथ से ईर्ष्या का भाव रखते हैं। इसीलिए महादेव गुरु मत्स्येंद्र नाथ की हड्डियों को एकत्रित करने का आदेश वीरभद्र को देते हैं। वीरभद्र, तुम मत्स्येंद्र नाथ की हड्डियों को वन में एकत्रित करके उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो, ताकि भविष्य में गुरु मत्स्येंद्र नाथ की हड्डियों से उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव के आदेश के बाद वीरभद्र कैलाश से अंतर ध्यान हो जाते हैं और प्रयागराज के वन से गुरु मत्स्येंद्र नाथ की हड्डियों को एकत्रित कर लेते हैं और उन्हें एक गुप्त स्थान पर छिपा देते हैं। कुछ समय बाद जब बाबा गोरखनाथ तीर्थ यात्रा से वापस पुनः प्रयागराज आते हैं, तो उस गुफा में अपने गुरु का शरीर ना पाकर वो चिंतित हो जाते हैं। हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ हो गया? गुरुदेव का पार्थिव शरीर तो यहाँ नहीं है, बिना शरीर के गुरुदेव पुनः जीवित कैसे होंगे? गुरुदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी जंगली जीव ने गुरुदेव के शरीर को हानि पहुंचाई है। चटपट नाथ, अगर कोई जंगली जीव यहाँ पर आया होता तो उसके पाँव के निशान यहाँ पर अवश्य होते। ऐसा कहकर गोरखनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगते हैं और वहाँ घटित सभी घटनाओं का ज्ञान उन्हें हो जाता है। गुरुदेव, आपने अपने योग शक्ति से क्या देखा? क्या हमारे गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शरीर सुरक्षित है? नहीं गणनाथ, रानी रेवती ने गुरुदेव के शरीर को बड़ी ही निर्ममता से नष्ट कर वन में फेंकवा दिया, ताकि गुरुदेव राजा त्रिविक्रम के शरीर का त्याग ना कर पाए। और दुख इस बात से ज्यादा ये है कि गुरुदेव की अस्थियां वीरभद्र के पास हैं। गुरुदेव, ये तो बहुत अशुभ हुआ। वीरभद्र तो आपसे द्वेष का भाव रखते हैं, फिर क्या वे गुरु मत्स्येंद्र नाथ की अस्थियां हमें वापस देंगे? यही तो विकट संकट है, क्योंकि वीरभद्र को इस बात का अहंकार है कि महादेव के बाद वही एक सर्वशक्तिमान है, और वे अन्य शिव गणों में वे मुझसे सबसे अधिक वैर भाव रखते हैं। गुरुदेव, फिर इसका निदान कैसे संभव होगा? अब तो सब महादेव की इच्छा में निहित है, वे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जिसके बाद गोरखनाथ अपने गुरुदेव की अस्थियां प्राप्त करने के लिए कैलाश पहुंच जाते हैं, परंतु वो देखते हैं कि महादेव ध्यान में लीन थे। ऐसा देखकर वो महादेव का ध्यान भंग किए बिना ही वीरभद्र के समक्ष उपस्थित होते हैं और विनम्रता पूर्वक अपने गुरु की अस्थियां उनसे वापस मांगते हैं। वीरभद्र, गुरु मत्स्येंद्र नाथ की अस्थियां हमें वापस कर दो, क्योंकि हम उन्हें जीवित करना चाहते हैं। गोरखनाथ, इस शिव भक्त के समक्ष याचना नहीं, रण करो, रण, अन्यथा ये भूल जाओ तुम्हारा कोई गुरु भी था। वीरभद्र, तुम ये ना भूलो, जब मैं माता काली का अहंकार खंडित कर उन्हें अपने उदर में बंदी बना सकता हूँ, तो फिर तुम्हारी शक्तियाँ उनके सम्मुख कुछ भी नहीं है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में मेरे द्वारा किए गए महातांडव को शायद तुम भूल गए हो, जहां श्री हरि विष्णु सहित समस्त देवता मेरे क्रोध के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। वीरभद्र, एक योगी की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ना लो, अन्यथा परिणाम महाभयंकर होगा। गोरखनाथ, युद्ध ही अंतिम विकल्प है, अन्यथा तुम अपनी गुरु की अस्थियों के बिना वापस पृथ्वी लौट जा। वीरभद्र, मुझे मृत्यु प्रिय है, परंतु मेरे गुरु वचन की अवज्ञा नहीं, मैं अपने गुरु के लिए स्वयं त्रिदेवों से भी युद्ध कर सकता हूँ।
और तुम जैसे अभिमानी का अहंकार तोड़ना भी मुझे भली भांति आता है। ऐसा कहकर गोरखनाथ अपनी शक्ति से एक त्रिशूल उत्पन्न कर वीरभद्र की ओर फेंकते हैं। वीरभद्र भी प्रत्युत्तर में त्रिशूल से प्रहार करते हैं। दोनों के आपस में टकराने से महागर्जना होती है और फिर दोनों ही शस्त्र निष्फल हो जाते हैं, जिसके बाद वीरभद्र एक भारी शिलाखंड को गोरखनाथ की ओर फेंकते हैं, जिसे गोरखनाथ अपनी शक्ति से हवा में ही रोककर यथास्थान रख देते हैं। गोरखनाथ के समक्ष वीरभद्र स्वयं को शक्तिहीन पाकर अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो अपनी शक्ति से एक धनुष बाण उत्पन्न कर गोरखनाथ पर तीर से आक्रमण करने लगते हैं। गोरखनाथ अपनी ओर आ रहे हर एक बाण का प्रत्युत्तर बाणों से देने लगे। दोनों के मध्य एक महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा, परंतु युद्ध का परिणाम अभी तक किसी के पक्ष में आता हुआ नहीं दिख रहा था। तभी गोरखनाथ अपने एक दिव्य बाण से वीरभद्र की माया को नष्ट कर देते हैं, जिससे वीरभद्र की अदृश्य शक्ति समाप्त हो जाती है। तभी गोरखनाथ अपने धनुष की कमान से एक दिव्य बाण छोड़ते हैं, जो सीधा वीरभद्र के मस्तक को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर समस्त सृष्टि मानो थम सी गई। ऐसा होते ही महादेव का ध्यान भंग हो जाता है और तत्काल ही युद्ध भूमि में वो उपस्थित हो जाते हैं। गोरखनाथ, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जो आपने वीरभद्र का वध कर दिया? आपने तो मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। प्रभु क्षमा करें, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था, परंतु उस समय आप ध्यान में लीन थे, इसलिए मैंने आपका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा और अपने गुरुदेव की अस्थियों को मांगने मैं वीरभद्र के पास गया, परंतु उन्होंने मुझे गुरुदेव की अस्थियां देने से मना कर दिया और युद्ध के लिए ललकारा। परिणाम स्वरूप मुझे वीरभद्र से युद्ध करना पड़ा। भक्त गोरखनाथ, जो भी कुछ हुआ सब में मेरी इच्छा निहित थी, क्योंकि मुझे आपकी परीक्षा लेनी थी और साथ ही वीरभद्र का अहंकार भी तोड़ना था। आप अपनी परीक्षा में सफल हुए और अब आप वीरभद्र को पुनर्जीवित कर दें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रिय भक्तों, महादेव की आज्ञा से गोरखनाथ वीरभद्र को पुनर्जीवित कर देते हैं। वीरभद्र भी गोरखनाथ से अपने किए के लिए क्षमा मांगते हैं और उन्हें गुरु मत्स्येंद्रनाथ की अस्थियां वापस कर देते हैं, जिसके उपरांत गोरखनाथ अपनी शक्तियों से गुरु मत्स्येंद्रनाथ को पुनर्जीवित कर देते हैं और इस प्रकार बाबा गोरखनाथ अपने गुरु के प्राणों की रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तों, आज भी बाबा गोरखनाथ द्वारा शुरू की गई नाथ परंपरा मूल स्वरूप में विराजमान है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के मुख्य पुजारी हैं, जो नाथ संप्रदाय की परंपरा का अपनी दोहरी जिम्मेदारियों के बाद भी बड़ी ही कुशलता से निर्वहन कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।